मध्य प्रदेश के बैतूल में शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ के आह्वान पर जिला चिकित्सालय के चिकित्सक 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर धरने पर बैठे। डॉक्टरों ने मांगे पूरी न होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी चेतावनी दी है। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं भी प्रभावित होंगी। संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रूपेश पद्माकर ने बताया है कि 2 दिन पहले CMHO बैतूल को ज्ञापन सौंपकर सरकार से विभिन्न मांगें रखी थी, जिसमें डायनेमिक शॉर्ट करियर प्रोग्रेशन आदेश जारी किया गया है और प्रशासनिक अधिकारियों की दखल अंदाजी रोकी जाए और उच्चतम पदों पर चिकित्सकों की पदस्थापना के बारे में निर्णय लिया जाए। ये मांगे पूरी नहीं होने पर चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। जो मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के द्वारा जो महासंघ बनाया गया है उसमें जो प्रमुख मांगे हैं वो DACP की है, जिसमें एक समय पर जो है बिना किसी ऑर्डर के जो है जो हमें मिलना चाहिए समय मान वेतन मान जो है मिले बिना किसी ऑर्डर के। दूसरा जो हमारी मांग है जो ओल्ड पेंशन स्कीम है जो पहले थी जिसे सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है उसे फिर वापस शुरू की जाए। जो तीसरी प्रमुख मांग हमारी है जो प्रशासनिक हस्तक्षेप है जो हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या CACs या बड़े पदों पर होता है, तो हमारी मांगे ये है कि जो कमिश्नर है या डायरेक्टर लेवल पे जो चिकित्सक है हमारे पास चिकित्सक नहीं जो है बैठाए जाए। हमारा तो मानना ये है कि अगर गवर्नमेंट इस पे बात करे, जो चिकित्सक महासंघ बना है पहली बार मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी शुरुआत हुई है, अगर सारे चिकित्सक एक छत्र के नीचे हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट में जो अभी मिनिस्टर और कुछ MLA हैं वो खुद डॉक्टर हैं, तो उनको इस सारी समस्याओं को समझना चाहिए। क्योंकि आप अभी देखेंगे तो यहाँ पे जैसे जिला चिकित्सालय बैतूल में कुल 17 डॉक्टर अभी बैठे हुए थे, यही हैं और ये जिला अस्पताल चला रहे हैं।